अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, फोड़े हैं, फिंसियाँ हैं और किसी भी किस्म के दाने हैं और अगर वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो आज की इस रेमेडी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आपके चेहरे के जो भी जिस भी किस्म के दाने या फोड़े फिंसियाँ हैं वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है ना चौदहवीं के चाँद की तरह साफ और शफाफ और रंगत भी आपकी जो है ना सफ़ेद हो जाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं भी आपको बताती हूँ। आपने सिंपली पंसार की दुकान पर जाना है जाके, तो आपने ये मैं आपको बताती हूँ, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको ये तिनकों की तरह कुछ नज़र आ रही होगी। इसका नाम है चरायता, ठीक है। आपने पंसार की दुकान पे जाकर आपने ये ले लेना है चरायता। चरायता जो है ना ये आपने ले लेना है और इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। इसका इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है कि आपने ले लेना है एक कांच का गिलास, जैसे कि ये मैं आपके सामने रख रही हूँ, और चुटकी से आपने ऐसे जो है ना उठाना है चरायता को और आपने इस गिलास में डाल देना है डाल के। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, तो यहाँ पर ना ये मैंने पानी ले लिया है और पानी को जो है ना वो मैं इस गिलास में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पानी जो है वो मैंने गिलास में डाल दिया और ये जो है ना आपने पानी पूरा ओवर नाइट आपने पानी जो है इसी तरीके से रखना है, इसी तरीके से आपने पूरा ओवर नाइट रखना है। अभी मैं इसको आपको पीने का तरीका बताऊंगी कि आपने इसको पीना कैसे। इसको आप पीने का तरीका कार ये है कि आपने इसको ओवर नाइट जो है रख देना है, पूरा ओवर नाइट जो है ना ये पानी जो है आपका रात को ऊपर आप कोई भी इसके ऊपर ढक्कन दे के आप इसको पूरा ओवर नाइट रख दें। सुबह तक जो है ना जितना भी इसकी जो असर है ना इस जड़ी बूटी का वो सारा इस पानी के अंदर आ जाएगा और इस पानी का कलर जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह लो कि लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि जैसी जड़ी बूटी है ना ग्रीन कलर की, इसी तरह का पानी का कलर भी ना लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सुबह सुबह जब उठना है ना तो कोशिश करना अपना टाइम टेबल भी थोड़ा चेंज करें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर से उठते हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जल्दी उठने से हमारे जो हमारी सेहत है ना इस पर बहुत अच्छे असरात होते हैं। तो जब हम सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह उठ के अपने मुँह हाथ धोकर, तो सबसे पहले जो आपने ना कुल्ली वगैरह करके पानी पीना है वो आपने पीना है चरायते का पानी। इसका जायका मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका जायका थोड़ा तुर्श होता है, थोड़ा सा कड़वाहट वाला होता है, लेकिन अगर आपने अपना चेहरा साफ़ करना है, अगर आप चाहते हो कि आपको दाने जो है वो दोबारा ना निकले, क्योंकि जब हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, ट्यूब्स वगैरह अपने फेस पे लगाते हैं, तो एक दाने को ख़त्म करते करते ना साथ हमारे दो तीन दाने और भी फेस पर निकल आते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पर आप जैसा कि अभी आपको पता है गर्मियों का सीज़न है, सावन का मौसम आ रहा है, सावन भादों ये बड़े गंदे मौसम होते हैं, इसमें तो जिसको नहीं भी दाने निकलने होते हैं ना उसको भी निकलते हैं। तो ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ इसके इस्तेमाल से आपको तो यकीन माने कि आप मुझे दुआएं दें कि आपको कभी भी दोबारा पिंपल को दाने किसी भी किस्म के फोड़े फिंसियाँ इन जैसे गर्मी दाने निकल आते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जिन मेरी बहनों को वैसे भी हारमोन्स का प्रॉब्लम रहता है या उनके चेहरे पर दाने ख़त्म ही नहीं होते, तो ये जो जड़ी बूटी है ना ये खून को भी बहुत जल्दी साफ़ होती है। जिन मेरी बहन भाइयों को ये प्रॉब्लम है कि उनका होता है ना, कहते हैं कि भी खून की ख़राबी की वजह से भी मतलब दाने फेस पे निकलते हैं, तो उनके ये सारे प्रॉब्लम, जब आपका खून साफ़ हो जाएगा तो आपका जो है ना अंदर से भी आप ठीक होंगे और बाहर से भी आप खूबसूरत नज़र आएंगे। तो ये पानी जो है ना आपने ओवर नाइट रखना है, तो सुबह उठ के आपने हारमू जो है ना आपने इस पानी को पहले पीना है, पी के फिर उसके बाद आपने आधे घंटे का गैप देना, आधे घंटे का गैप दे के उसके बाद आप जो है ना नाश्ता कर सकते हैं इजीली। उसमें कोई नहीं है कि आप किसी भी मतलब के चीज़ के साथ
खाना खा सकते हैं। और इस सीज़न में अवॉइड करें ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ों को, क्योंकि चिकनाहट वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो सही नहीं होती। तो और कोशिश करें कि साथ मुल्तानी मिट्टी का मास्क आप फेस पे लगाएं, उससे आपके दाने जल्दी खुश्क होंगे और ड्राइनेस होंगे ना जब दाने, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी रेमेडी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। और ये पानी आपने लाजमी पीना है। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको वाकई में जो है ना ये जो जड़ी बूटी आपने पी है इसका आपको रिजल्ट जो है कैसा लगा। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने पानी डाला ही है ना, तो आपको पानी का कलर वाइट से थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये जो पानी है ना अभी अभी से ही थोड़ा ग्रीन हो गया। ठीक है, तो सुबह तक जब मैं इसको ओवरनाइट करूँगी, मैं ख़ुद भी ये पीती हूँ, मेरा बच्चा माशाल्लाह और उसकी 14 इयर्स एज हो गई है, तो आपको पता है इस एज में हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ना जो यंग एज होती है उसमें भी दाने वगैरह पिंपल्स वगैरह फेस पे निकलते हैं, तो उसको भी मैं देती हूँ, मैं ख़ुद भी पीती हूँ, मुझे ख़ुद इतना ज़्यादा फ़ाका हुआ इस रेमेडी से। तो मैं चाहती हूँ कि ज़ाहिर बात है जितने भी मेरे बहन भाई, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है दानों की या तो वो अगर फेस पे लगाने पे ज़्यादा तरजीह देते हैं ना, तो प्लीज़ आप ये जड़ी बूटी को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी जो है ना ये इस तरह के की तिनकों की तरह की शक्ल में, आप कुछ और ना लेके आ जाएगा, ये पंसार की दुकान से आपको चिरायता मिलेगा, यही आपने लेके आना। और सिर्फ एक जड़ी बूटी से आपके ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हल हो जाएंगे। करना है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जो है आपने लाइक और शेयर करना है, और सब्सक्राइब आपने मेरी वीडियो को ज़रूर करके जाना।